अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए छाता पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है और धड़ाधड़ अपराधियों को पकड़कर उन्हें जेल भेज रही है। आज फिर थाना छाता कोतवाली द्वारा एक शराब तस्कर और एक गांजा तस्कर को पकड़कर जेल भेज दिया गया। गांजा तस्कर से 1 किलो अवैध गांजे के साथ सौरभ पुत्र रमन लाल निवासी आबकारी मोहल्ला कस्बा छाता को बरसाना पुल के नीचे नेशनल हाईवे 2 से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 8,000 रुपए है। उसी व्यक्ति से 2500 भी मौजूद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ केडी मेडिकल चौकी पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली की तरफ से मथुरा की तरफ एक गाड़ी आ रही है और उसमें अवैध शराब भरी हुई है। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बैरियर लगाकर चेकिंग करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद एसेंट कार को रुकवाया और उसकी चेकिंग करना शुरू कर दिया। तभी गाड़ी में बैठे अभियुक्त सतीश और सोनू को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके पास से अवैध शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों को थाना छाता पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है।